निजी बसों की हड़ताल से सरकारी बसों में उमड़ी सवारियों की भीड़, कोविड नियमों की उड़ी सरेआम धज्जियां, दर्जनों रूट पर दौड़ी सरकारी बसें। हिमाचल प्रदेश में निजी बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का व्यापक असर बिलासपुर जिला में भी देखने को मिला। यहां पर निजी बसों के ना चलने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि HRTC बिलासपुर द्वारा जिला के विभिन्न रूटों पर दर्जनों बसें शुरू कर दी थी, लेकिन कोविड नियमों की पालना करवाना अधिकारियों के लिए मुश्किल हो गया। ऐसे में बिलासपुर HRTC के RM किशोरी लाल यादव स्वयं नियमों की पालना करवाने के लिए बस अड्डों में जा पहुंचे। यहां पर उन्होंने पहुंचकर सभी HRTC बस चालक परिचालकों को कोविड नियमों की पालना करने के आदेश जारी किए। सवारियों की सुविधा के लिए हमने दर्जनों रूट जो है और बढ़ाए हुए हैं, और जहाँ को सवारी ज़्यादा हो रही है वहाँ गाड़ियाँ अलग अलग मतलब दूसरी गाड़ी भेजने साथ, ताकि 50% जो रेस रखी है पैसेंजर की उस हिसाब से गाड़ियाँ ड्राइवर कंडक्टर को भी निर्देश दिए कि वो सवारियाँ 50% से हिसाब से बिठाए। सर कितने आज तो काफ़ी रूट चलाया हुआ ना, हर एक साइड को घुमारवी बिलासपुर हर एक घंटे बाद जा रही गाड़ी, घुमारवी से जलुथा बर्फी जाऊ लुद्रौर और कागज की तरफ चलाए हुए, और बिलासपुर से भी मंडी को परमाणा और रहाड़ी घाट लोकल रूट चलाए हुए हैं। के लिए एक बस चली हुई है लोकल डेली की सवारी नहीं है बहुत ज़्यादा, और चंडीगढ़ के लिए आज दो भी बाकी बद्दी के लिए जाएगी बैजनाथ परवाणु लगान चंडीगढ़ तक है, और जो लोकल रूट है सारे चले हुए हैं।